हेलो गाइज, वेलकम टू राजू स्पेस टीआरसी टेक। तो चलिए ये देखिए, हमारे पास एक मदरबोर्ड आया है जो कि डेल का है और MT18457 इसका यहाँ पे आप देख रहे हैं, ईगल MT करके यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस मॉडल नंबर को यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो इंस्पायरॉन 3670 डेस्कटॉप मदरबोर्ड आएगा, ठीक है। तो ये 8 जनरेशन की सीरीज का मदरबोर्ड होता है जिसमें कि DDR, ठीक है, और 81 आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह जो है ये हमारा PCH जो होता है पावर कंट्रोलर हब, इसको किस तरह चेक करते हैं कि ये हमारा नॉट रिपेयरेबल है या नहीं है। कुछ मैं टेक्निकल ट्रबल शूटिंग करूँगा इसमें, जो कि आपको पता चलेगा कि किस तरह हम इसको डायग्नोस किया जाता है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा देखें, ताकि सभी टेक्निकल इंजीनियर्स को पता चले कि किस तरह PCH को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये हमारा शॉर्ट है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहें। तो चलिए एक्टिविटी करते हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों कनेक्शन कर लेते हैं SMPS के, ठीक है। और तो यहाँ पे SMPS आप देख रहे हैं और एनालाइजर मैं लगा लेता हूँ जिससे हमें पता चले कि हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्विचिंग कर लिया है इसमें, बट यहाँ पे इसका देखिए पावर स्विच होता है जो कि हम इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो LED है ये हमारी ग्लो करती है जब ये हमारा स्विच ऑन होता है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी इसमें पावर फ्लो नहीं हुआ है और ना ही हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एनालाइजर में भी कोई रीडिंग डेटा, कोई LED ब्लिंकिंग नहीं हुआ है। तो आप जान जाइए ये हमारा जो मदरबोर्ड है वो नॉट पावरिंग ऑन मदरबोर्ड है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जो भी मदरबोर्ड नॉट पावरिंग ऑन हो तो यहाँ पे आप स्विच पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं DC, ठीक है, 3.3 या 5 वोल्ट आता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद SMPS में भी एक पॉइंट दिया होता है यहाँ पे, ये इस तरह की जो SMPS है इसकी भी मैं टेस्टिंग आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। मैंने पिछली वीडियो में, मेरी जो वीडियो आपने देखा होगा पूरा, तो उसमें मैंने बताया था यहाँ पर इसको यदि स्विच को प्रेस करेंगे तो ये हमारी LED ऑन हो जाएगी, ग्लो करेगी, ठीक है। बट देखिए अभी हम आपके सामने स्विच ऑन कर रहे हैं बट हमारा जो LED है कोई ग्लो नहीं हो रहा है और ना ही मदरबोर्ड में कोई एक्टिविटी हुई है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा चिप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं PCH कि हमारा ख़राब है। तो सबसे पहले हम SMPS को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं मदरबोर्ड से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे रहते हैं इनको बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है, जो चिप के ऊपर लगे रहते हैं। तो इसको मैं टेस्टिंग बताता हूँ आपको किस तरह इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये हमारा शॉर्ट है PCH या नहीं है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, यहाँ पर यदि हमें शॉर्टिंग चेक करनी है तो बजर को बी पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने, आप क्रॉप को दोनों टच करके देख लें, यहाँ पे देखिए शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कनेक्टिविटी बिल्कुल गुड है। तो हर एक कैपेसिटर के 1x1 लेग आप ऐसे टच करके देख लेंगे, यहाँ पे देखिए 0 बता रहा है और शॉर्ट बता रहा है। इस तरह आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी 0 और शॉर्ट बता रहा है। तो अब यहाँ पर भी आप चेक कर लेंगे, चारों तरफ जितने भी इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं आप सब तरीके से चेक कर लेंगे, ठीक है। सारे कैपेसिटर इसमें शॉर्ट हैं आपके सामने, ये देखिए इम्पीडेंस क्या दिखा रहा है इनका, 0.1 दिखा रहा है। तो 110% ये आपकी टेस्टिंग हुई, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए दो कैपेसिटर लगे रहते हैं, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यदि ये हमारे दो कैपेसिटर शॉर्ट बोल रहे हैं तो ये हमारा PCH यानी कि पावर कंट्रोलर हब हमारा शॉर्ट है, जो कि मदरबोर्ड नॉट पावरिंग ऑन में होता है। तो ये हमारा नॉट रिपेयरेबल मदरबोर्ड है, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूं कि किस तरह ये हमारा मदरबोर्ड शॉर्ट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ इंजीनियर्स ये सोच रहे होंगे कि अभी तक कैसे हम पता करें कि ये शॉर्ट है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास एक दूसरा मदरबोर्ड है, ठीक है।
जो कि हमारा इन आयो पे देखिए आप यहाँ पे कुछ काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें थोड़ा डिस्टरबेलेंस करके बताता हूँ, तो ये हमारा शॉर्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इस मदरबोर्ड को हम एक एक तरफ रख लेते हैं और दूसरा मदरबोर्ड हम उठा लेते हैं, ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोसेसर निकाल लेते हैं, इसमें से प्रोसेसर निकालने के बाद हम इसमें प्रोसेसर लगाएंगे। ठीक है, प्रोसेसर लगाने के बाद सबसे पहले जो आइडेंटिफाई है, वो जो चिप मैंने आपको बताया है कि उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले वो चेक कर लें। गेट बंद कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो इम्पीडेंस है, यहाँ पे देखिए कोई शॉर्ट नहीं है कैपेसिटर, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे देखिए 38 आ रहा है, बट हमारा कोई शॉर्ट नहीं है। ये देखिए 37 दिखा रहा है। तो ये रहा हमारा चिप PCH को चेक करने का तरीका, ठीक है। ये हमारा देखिए PCH हमारा गुड है, 45.2 दिखा रहा है, और उसमें वहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा था। तो दोस्तों इसमें आपको पता चला कि किस तरह हम यहाँ पे इस PCH को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए वो मैं भी आपको एक जो फ्यूजन है उसको दूर कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसे पावर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पावर कनेक्ट करने के बाद इसको हम ऑन करके दिखाएंगे आपको। तो आप यहाँ पे देखें एनालाइजर में हमारे में 00 कोडिंग भी आ रही है, ये देखिए, ठीक है। और LED भी हमारी ग्लो कर रही है, और ये SMPS आप देखें यहाँ पे पावर भी ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसमें इस वीडियो में ये सीखा कि कैसे PCH को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा चिप ख़राब है या नहीं है। तो दोस्तों अपना जो कीमती वक्त है उसको ख़राब ना करते हुए कोई भी नॉट पावरिंग ऑन में मदरबोर्ड इस जनरेशन का आता है, जो कि 18457 होता है MT, तो सबसे पहले आप उसका PCH चेक कर लें, अपना कीमती समय बचाएं। ये मदरबोर्ड नॉट रिपेरेबल होता है, जो कि हमारा इसका इम्पीडेंस 0 आता है, ठीक है। यहाँ पे यदि 0 इम्पीडेंस आएगा और आपका शॉर्ट कैपेसिटर, ये बोलेंगे यहाँ पे 2 कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका ये मदरबोर्ड नॉट रिपेयरेबल है, ठीक है। और जो रैम लगती है इसमें वो आपको पता ही है, और आपका जो है 8 जनरेशन का प्रोसेसर होता है। आप इस तरह अपने मदरबोर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।